हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर इन दिस वीडियो। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन पेपर है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का ईयर 2020। तो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे प्लस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स यहाँ पर आपके थे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक और सब्जेक्ट में भी पूछा गया था प्लस आपका इस सब्जेक्ट में भी आया था। तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो उन पे आप एक स्टार लगा लें बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। एंड सभी क्वेश्चंस देखिए, अगर मैं बात करूं तो 90% इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो ई बुक से था बीइंग अ बेस्ट टीचर की। तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर जिसका लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर वन में। प्राइमरी एजुकेशन फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन फिर प्राइमरी एजुकेशन, तो बिल्कुल नहीं। प्राइमरी एजुकेशन फिर प्राइमरी प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी एजुकेशन, क्या यही सीक्वेंस सही है या नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल देखिए, पहले रहती है प्राइमरी एजुकेशन, फिर आती है प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी आपका नर्सरी केजी एलकेजी ये सब हो गया। प्राइमरी आपसे आपकी हो गई 1 से 5वीं तक की शिक्षा। देन सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी हुई, ये आती है, इसके बीच एलिमेंट्री भी होती है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है पर हमसे सीक्वेंस पूछा है, ये नहीं पूछा कि बीच में कोई स्किप है तो वो भी बताओ। तो उसके बाद आती है सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज योर 9th एंड 10th, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है स्कूल एजुकेशन का। देखिए एकेडमिक रैशनलिज्म हो, ह्यूमनिज्म हो, ऑफर स्कॉलरशिप या सोशल एफिशिएंसी। एकेडमिक रैशनलिज्म ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, जो चीज नहीं होगी वो होगी। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना गोल नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये दी जाती है लाइक एक प्लस पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं बट ये ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हम इसको नहीं करते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इनमें से कौन सी एडल्ट एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग, लैक ऑफ गुड टीचर्स, लैक ऑफ स्कूल्स या वाटर अवेलेबिलिटी। बहुत ईजी आंसर है इसका, बहुत ईजी। देखिए स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, उसमें एडल्ट्स को एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ गुड टीचर्स भी कहीं ना कहीं है और लैक ऑफ स्कूल्स भी है, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं होना ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है और यही है हमारा आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को स्टार्ट किसने किया था। अगर आप एक टीचर हैं और बेसिक एजुकेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो इसका पूरा लाइक रोल पढ़ लीजिए एंड मैं यहाँ पे आपका वो भी लगा दूंगी आई बटन में, यहाँ पे आपको आ रहा होगा बेसिक एजुकेशन की वीडियो है तो वो भी नोट कर ले आप। तो ये वाली वीडियो बिल्कुल देखें, आपका बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इट वॉज लाइक आप ही बताएंगे, ये वीडियो देखें एंड उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें कि किसने स्टार्ट किया था बेसिक एजुकेशन, तो ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। पेडागॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम, पेडागॉजी वर्ड जो है वो किस वर्ड से डेराइव्ड है। पेडागोगस, पेडागोएगिस, पेलोजियस या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज पेडागोगस, ठीक है। यहाँ पे हिंदी के ऑप्शंस भी सेम रहेंगे तो ये ना सोचे हिंदी में ऑप्शंस बदल जाएंगे। एस डब्ल्यू ओ सी स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। एस डब्ल्यू ओ सी की फुल फॉर्म क्या होती है, गूगल करेंगे बहुत आसानी से निकलेगी। आंसर इज 1 स्ट्रेंथ, वीकनेस, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म कल्चर, कल्चर टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड बी टेलर, राइट।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिवनेस ऑफ कल्चर इज डिटरमाइंड बाय। इफेक्टिवनेस एक कल्चर की किस चीज से डिटरमाइंड होती है वो बताएं। ऑब्जेक्टिव से, डिजाइन से, मेथड से या इवैल्यूएशन से। तो देखिए, करिकुलम जो बनाया है वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं वो हमें पता चलेगा मूल्यांकन से। किसी भी चीज का जब टेस्ट लिया जाता है तभी पता चलता है वो कितनी, जो चीज हमने बनाई है वो कितनी हमारे लिए फायदेमंद रही, कितनी औरों के लिए रही या नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इट वॉज डायरेक्टली, मैं इसका आंसर बताऊंगी, विलियम एच किलपैट्रिक, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, हु आर द नीड्स ऑफ मॉडर्न, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। क्या क्या नीड्स हैं? पॉलिटिकल डेवलपमेंट की नीड्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड्स हैं, सोशल डेवलपमेंट की नीड्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच कैपेसिटी डेवलप्स एज लर्निंग इंक्रीजेस। कौन सी कैपेसिटी? रिकॉग्नाइज, बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल, अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट मॉरल कंसर्न, ये भी बिल्कुल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, डिसिप्लिन इज अ, डिसिप्लिन क्या है? ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, संस्कृत वर्ड है या पर्शियन वर्ड है? तो इट इज अ लैटिन वर्ड एंड डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। किस वर्ड से डिसिप्लिन वर्ड किस वर्ड से लैटिन के डेराइव हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में 12th का मेंशन करें क्योंकि मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट में लिखने को बोल रही हूँ। तो पहले 12 लिखें और फिर वहां पे लिखते हैं डेराइव फ्रॉम दिस वर्ड, तो जरूर लिखें। पेस सेटिंग स्कूल्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 लेटर बिकम व्हाट। तो पेस सेटिंग स्कूल्स थे तो नेशनल पॉलिसी 1986 के, उनको बाद में किस नाम से जाना गया वो आपको बताना है। तो बाद में उनको जाना गया नवोदय स्कूल्स के नाम से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म कल्चर कम्स फ्रॉम। कल्चर किस वर्ड से डेराइव्ड है? फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड या इंग्लिश वर्ड? सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एंड किस वर्ड से डेराइव्ड है करिकुलम वर्ड? आई वो है करिकुला। वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, लेट्स सी स्पेलिंग आप सही लिखते हैं या नहीं, टेस्ट करें अपने आप को। एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग इज आर, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं टीचिंग के? क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट में ऑप्शन पढ़ा, ऑल ऑफ द अबव, वही आंसर पता चल रहा है। एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, सभी हैं? बिल्कुल सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व प्रश्न पे आएंगे। डिसिप्लिन हैज अ सब्सटेंशियल, डिसिप्लिन क्या है ये पूछा गया है, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन हैज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन व्हिच रिसर्चेस एंड कंडक्टेड आर कंडक्टेड बिहेवियर दैट नीड्स टू बी मेंटेन इन द स्कूल। क्या इस बिहेवियर की बात हो रही है? ये वाला डिसिप्लिन है, बोथ वन एंड टू। तो यहाँ पे जिस डिसिप्लिन की बात हो रही है वो ये वाला डिसिप्लिन है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इस आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है अच्छे से, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है वो आपको बिल्कुल करेक्टली पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में ऐसे भी आंसर्स लिख देते हैं, पूछा जाता है डिसिप्लिन क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो वहां पे जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बिल्कुल पता है कि यहाँ पे जिस डिसिप्लिन की बात हो रही है वो डिसिप्लिन स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन वाला नहीं है, ये अकेडमिक डिसिप्लिन की बात हो रही है। ये बिल्कुल समझने वाली बात है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। तो डिसिप्लिन जो आप अपने यूनिवर्सिटीज में चुनते हैं, डिसिप्लिन पर्टिकुलरली, आई होप
अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप डिसिप्लिन, एक स्कूल वाला क्या होता है, अनुशासन वाला क्या होता है, एक मॉरल लाइक एक वैल्यू वाला क्या होता है, मैनर्स वाला डिसिप्लिन, और एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, आप उसके बीच अंतर भली भांति जानते होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डिसिप्लिन में कौन सा डिसिप्लिन लिख देते हैं, जो अनुशासन वाला डिसिप्लिन होता है, वहां पे टीचर को सबसे पहले ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, और वहां पे आपकी एक नेगेटिव इमेज चली जाती है एंड काफी स्टूडेंट्स की ऐसो की बैक आती है। तो नेचर ऑफ डिसिप्लिन ये सभी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर, इट हैज थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस पढ़े, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी। तो सभी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, एकेडमिक डिसिप्लिन का टॉपिक आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू वीडियोस में ज्यादा ब्रीफ में हम नहीं जाएंगे, एमसीक्यूज को एमसीक्यूज तक ही सीमित रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट हैं चैनल पे, कुछ के लेक्चर्स नहीं है, प्लेलिस्ट नहीं है, तो उनके बहुत जल्द आ जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें एंड प्लेलिस्ट में जाके चेक करें कि जो टॉपिक आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। नहीं है तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आई वॉन्ट दिस टॉपिक, टॉपिक मैंशन करें, सब्जेक्ट मैंशन करें, एंड विद इन वीक आपको आपकी डिमांडेड वीडियो बिल्कुल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर अ पर्सनल आइडेंटिटी एंड लर्न द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद अदर्स, सोशलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कल्चरलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। जिससे एक इंडिविजुअल पर्सनल आइडेंटिटी एक्वायर करता है और लर्न करता है नॉलेज, लैंग्वेजेस और सोशल स्किल्स, इससे आंसर आपको मिल जाएगा। तो वो एक इंडिविजुअल करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, इसको ही बोलते हैं, डेफिनेशन लगा लीजिए बेसिकली इसकी, समाजीकरण, जो आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी टॉपिक सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, स्कूल सब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन ठीक है, अगर सभी लगते हैं तो आप फोर्थ ऑप्शन भी चुन सकते हैं, सभी को रीड करें एंड जो भी आंसर लगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। एम्स एट सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, लोकल नॉलेज होती है, कम्युनिटी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज सब होता है एक स्कूल सब्जेक्ट में, सही बात यहाँ पे था। इसमें सोशल रिफॉर्म्स और रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं एक सब्जेक्ट में। मोर कंसर्न विद मीटिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नीड्स, तो बिल्कुल ये बहुत तत्व इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक समाज में रहने की, और इन सबसे भली भांति स्टूडेंट्स परिचित हों तो ये कहीं ना कहीं स्कूल सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं उससे, और ये एजुकेशन का गोल भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर हेयर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, अगेन स्टार लगा लीजिए, फोर पिलर्स पे क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन का। लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स एंड गुड रैंक, लर्निंग टू नो टू एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग टू लिव टूगेदर टू पार्टिसिपेट एंड कॉपरेट विद अदर पीपल इन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, लर्निंग टू डू टू एक्ट क्रिएटिवली ऑन वंस एनवायरमेंट। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन 1, लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स। तो ये कभी भी अच्छे अंक लाना, अच्छी रैंक लाना, ये कभी भी एजुकेशन का गोल नहीं होता है, और हमसे यहाँ नॉट पूछा है, दैट इज वाई दिस इज द आंसर, ये एक नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी सब पॉजिटिव हैं, बाकी सब फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन के अंडर हैं।
CISCE की फुल फॉर्म बताएं। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? CISCE। आई विल कम डायरेक्टली टू द आंसर्स विदाउट कंफ्यूजिंग यू, क्योंकि गलत ऑप्शंस भी आप सुनेंगे तो मे बी एग्जाम तक आपके दिमाग में रह जाएं। तो सीधा मैं सही आंसर बताऊंगी, आपको जो भी आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, राइट? यही है। सो नो, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हेयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर वन, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। दिस स्टैंड्स लाइक CISCE स्टैंड्स फॉर दिस। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इतने लाइक मिलते जुलते ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू न्यू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? दैट यू हैव टू टेल। जो भी सही आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइव चैट में लिखें, एटलीस्ट ट्राई करें। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, कल्चरलाइजेशन। तो कल्चर को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे रहे हैं तो कल्चरलाइजेशन वो कहलाएगा। इजी क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन, एजुकेशन कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन, कमीशन, नॉट कम्युनिकेशन, कमीशन ऑफ 1964 1966 ऑल्सो नोन एज मुदालियर, स्पेलिंग ठीक करें प्लीज, मैं मुदालियर कमीशन वॉज ड्राफ्टेड बाई हूम। तो ये ड्राफ्ट किया था डीएस कोठारी ने, क्या यही सही उत्तर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज। तो बिल्कुल यही सही उत्तर है, डीएस कोठारी ने। और ये जरूर पढ़ें, ये आपका बीएड आपने की है तो आपने बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ऐसा लाइक 99% है आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कभी कभी किसी बैच में स्किप हो गया तो अलग बात है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 30, एक सेकेंड, यहाँ पे डीएस कोठारी की, अगर एजुकेशनल कमीशन की आपने वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखें, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको। यहाँ पे आपको मैं आई बटन में दे दूंगी इसकी वीडियो, तो यहाँ पे आप जाकर क्लिक करके इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर का आनंद लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू, आर्टिकल 30 किससे रिलेट करता है, क्या है इस आर्टिकल के अंदर जरा बताएं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये तो नहीं है, ये नहीं है, इसको ऑप्शन से हटा देते हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, आसान कर देती हूँ थोड़ा आपके लिए, ऑप्शन वन और टू में से बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए थ्री और वन ऑप्शन सिमिलर है, ये एक ही आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं, बचा क्या, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, दैट इज वाई आपका आंसर है ऑप्शन टू। ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पर हॉच पॉच हो गया है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 26 की तरफ। अ प्लान इन्वॉल्व फॉर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, दे आर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। ऐसे आंसर्स में, ऐसे ऑप्शंस में हमेशा गलत नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिमिलर होते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप गलत ऑप्शन को भी सुन लेते हैं तो मे बी एग्जाम में आपको वो याद रह जाए, तो मैं सीधा आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बताना ही प्रेफर करती हूँ, गलत मैं नहीं रीड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उससे कहीं ना कहीं सुनकर कुछ स्टूडेंट्स को लाइक वो आंसर लगेगा एग्जाम में, तो डायरेक्टली आंसर बताती हूँ आपको। आंसर है वन, कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो ये हमने ऊपर भी किया था क्वेश्चन, बट थोड़ा सा टिल्टेड वे में आया और ये सीरियसली दो बार क्वेश्चन आया था। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ये
सेकेंडरी यहाँ आ गया, बाद में फिर एलिमेंट्री आया है, तो सही ऑप्शन चुने। ऐसे ही देखिए, एज इट इज इतनी मिस्टेक्स के साथ ही क्वेश्चंस थे एग्जाम में, बिकॉज दे हैव ऑल्सो मेड द क्वेश्चंस ऑन वेरी क्विक बेसिस। एंड ई बुक्स में भी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी वो क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिली। सो दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर वॉज सेट फ्रॉम द ई बुक्स ओनली। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि अगर आप एमसीक्यू एग्जाम्स दे रहे हैं तो ई बुक्स जरूर लें। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका, आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अपार्ट इफ यू वॉन्ट टू परचेज लाइक हार्ड कॉपीज ऑफ द नोट्स, हार्ड कॉपीज ऑफ एमसीक्यूज अदरवाइज, तो वो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से ले सकते हैं, जो आपके एड्रेस पर विद इन 7 डेज कोरियर होकर आपको मिल जाती है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, 7 दिन के अंदर अंदर। तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका व्हाट्सएप लिंक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। पहले होती है प्राइमरी एजुकेशन, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन और फिर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये है बिल्कुल सही सीक्वेंस, ठीक है। और इसी तरह से उठपटांग ऑप्शन से कहीं ना कहीं अगर हम आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 भी फिट बैठ रहा है। प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसके बाद प्राइमरी होती है वो यहाँ से स्किप है, फिर एलिमेंट्री होती है, फिर सेकेंडरी होती है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस थे एग्जाम में, ऑल्दो ये ऑप्शन बॉयकॉट होना चाहिए था या होना ही नहीं चाहिए था, बट स्टिल जो इसका परफेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर 2। 3 क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया। तो इन ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एंड बाकी क्वेश्चंस भी हम पार्ट 2 में करेंगे, जितने क्वेश्चंस अभी अवेलेबल हो सके वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी सोर्स से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर सिर्फ लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, चाहे कह लीजिए आप चीटिंग करने के पर्पज से या क्वेश्चंस को एक बार देखने के या रिकॉर्ड करने के पर्पज से, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से, ये सोर्सेस से, वहां से क्वेश्चन पेपर्स लाइक क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हैं। एंड यही क्वेश्चन पेपर था आपका बेसिकली। इसके अलावा भी क्वेश्चंस मिलते हैं, 13 क्वेश्चंस बचे हुए, तो उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ में आपने लाइक 27 में से आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे एवरेज, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।